इन्फ्लुएंजा, आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैगी और सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। मैं अभी आराम कर रही थी और दवाई खाई हैगी कि थोड़ा आराम मिल जाए। नाइट में भी खाई थी दवा और अभी मॉर्निंग में भी खाई है। और सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, काम मन अच्छा नहीं लग रहा है। बाम लगाया सर में, आज मैंने खाने में खिचड़ी ही बनाई है, ज़्यादा मैंने खाना भी नहीं बना पाई क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तो मैंने कि बच्चों को खिचड़ी बना देती हूँ तो थोड़ा खा लेंगे। और चुन्नी से अभी सर ही बांध रखा था, अभी खुला हैगा आपसे बात करने के लिए। बच्चे जाते हैं तो है ना, राज हमेशा 2-3 दिन के लिए, राजवंश साई कोई भी, दोनों तीनों भाई जाते हैं तो 2 दिन में 3 दिन में आ जाते हैं। आज 5 दिन हो गए तो इसलिए मन बिल्कुल नहीं लग रहा हैगा और तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। तबीयत ठीक नहीं लग रही है इसके कारण से कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है, ना कुछ खाने में ना बनाने में। बेटू के सभी दर्शन हो गए हैंगे और कल में बेटू आ जाएगा। बस अच्छे तरीके से सब दर्शन हो गए हैंगे। मैंने बोला था हर्ष को कि बेटा वीडियो बना देना, तो उसने 1-2 छोटे से वीडियो बनाए, फ़ोटो खींचे हैंगे। मैं ज़रूर लगा दूँगी, फ़ोटो देखना आप, बहुत अच्छा लगेगा। और तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। माफी चिल्ला रही है बहुत, पहले सर दुख रहा है। साई ने भी सर दबाया था। चलिए मिलते थोड़ी देर से। उसके पास में वहां पे भी बड़े बड़े बोर्ड में लिखा हुआ रखा है। हाँ वहाँ पे भी लिखा हुआ 30 रुपए 40 रुपए। सब नॉलेज है पापा को, कहाँ पे क्या मिलता है वो नहीं है। उसके लिए आते हैं केसो करन गार्डन के लिए, बस आम वाले चौराहे से थोड़ी आगे बढ़ेगा तो उल्टा पे दुकान है पंचर वाले के उसकी। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैंने दवाई ली हैगी तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो मैंने कि आप लोगों से बात करती हूँ। और मैं भी नहीं चाहती कि आप लोगों को इतना उदास सा वीडियो बनाऊँ मैं। और मेरा बिट्टू आज आ जाएगा तो फिर आपके पास मेरे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे। और अभी वो ठाकुर साहब जी के सभी भगवान जी के दर्शन कर लिए हैंगे, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैंगे। और बस आज जब वो आ जाएगा तो फिर आपके पास बहुत अच्छे मेरे वीडियो आएंगे। और अभी मेरा तबीयत भी ठीक नहीं लग रही हैगी मुझे, क्योंकि बेटू गया हुआ है, भगवान जी के दर्शन करने गया हैगा, वो बहुत अच्छी बात है, पर मेरे से 5-6 दिन आज दूर रहा हैगा, तो ये पहली बार हुआ हैगा, इसलिए बस थोड़ा सा समझ सकते हैं आपकी एक मम्मी के माँ की क्या हालत होती हैगी अपने बच्चों के लिए। अपने बच्चे मतलब कि जब शुरू से अपने पास रहते हैंगे, बच्चों को कहीं भेजते नहीं है ना अपन, तो थोड़ा सा ऐसा हो जाता हैगा। और मेरे को बस यही हैगा, तो इसीलिए मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई। और कल से आपको, परसों से आपको, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ अभी, कि मैं नहीं चाहती कि आप मेरा इतना उदास उदास वीडियो देखो क्या हुआ हैगा। तो आप मेरा बिल्कुल हंसता हुआ एक बढ़िया सा वीडियो देखोगे। और
मेरा वीडियो बहुत जल्दी आपके पास अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे। अब देखिए बिट्टू ट्रेन से गया हैगा और बहुत अच्छा लगेगा आपको, दर्शन कीजिए भगवान के। मैं फ़ोटो वीडियो लगा रही हूँ। हमेशा बिट्टू कार से ही जाता हैगा, अपनी कार से या बुक करता है कार को, फिर से ही जाते हैंगे जब ज़्यादा दोस्त होते हैं। तो इस बार रिद्धेश का बचपन का दोस्त है हर्ष, स्कूल टाइम से, तो हर्ष के साथ ही गया हैगा बिट्टू। तो ये दोनों ही हैं तो इसलिए ट्रेन से गए हैं, नहीं तो बस या ट्रेन से ही आना जाना कर रहे हैं अभी। और देखिए मेरा बिट्टू और हर्ष है, दोनों बिट्टू हैंगे, कितने अच्छे लग रहे हैंगे। बहुत मुश्किल से भाई ये फ़ोटो वीडियो मिले हैंगे मुझे, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के और खुशी हो रही है आपको बता के। जय श्री श्याम जी, श्याम जी के दर्शन कीजिए आप सभी, सभी देवी देवता, मतलब कि जिनके भी उनने मुझे भेजे हैंगे फ़ोटो, तो वीडियो में यहाँ पे ही लगा रही हूँ कि आप सब भी दर्शन कर लीजिए। बिट्टू क्या ज़्यादा फ़ोटो वीडियो बनाता नहीं है, खींचता नहीं है, तो मैंने कि हर्ष को बोल देती हूँ तो हर्ष ज़रूर बना के दे देगा। तो मैं आप लोगों को ज़रूर, वो हर महीने जाता हैगा, एक आधी महीना कभी मिस हो जाए तो हो जाए, नहीं तो बिट्टू हर महीने जाता है दर्शन करने के लिए बाबा जी के। और बहुत ही आनंद आता हैगा कि मेरे को हर बार फ़ोटो वीडियो नहीं मिल पाते हैं, तो इसलिए मैं नहीं डालती हूँ, बस बता देती हूँ कि बिट्टू गया है दर्शन करने के लिए। इस बार मेरे को फ़ोटो वीडियो मिले हैं तो मैं आपको ज़रूर दिखा रही हूँ कि आप देखिए कितना अच्छा लग रहा हैगा। अब देखिए कब हमारा भी दर्शन करने जाना होता हैगा। जय श्री श्याम जी। पे माफिया तरबूज खा रही है, बहुत चटखारे लेके, और मैं मिट्टू की तरफ वीडियो बनाती हूँ तो मिट्टू चुप हो जाता है। अभी बज रहे हैं रात के 10 और बाहर बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, तो मैं आ गई हूँ बाहर हवा के लिए। फ्रेंड्स कम से कम 8 से 10 बार लाइट गई है रात के, मतलब कि बार बार आ रही है जा रही है, बहुत परेशान कर। ये कौन खाएगा, ले ले जल्दी ले। बार बार आ रही जा रही है इसलिए मैं भी बार बार बॉल फाड़ के बैठी हुई है यहाँ पे, बॉल फाड़ दी। ये देखो कैसे खा रही है कैल्शियम की हड्डी। ये मस्ती सूझ रही है, मस्ती सूझ रही बच्चे को, खा लो खा लो खा लो। माफिया को एक दिन छोड़ के कैल्शियम की हड्डी दे दो, मजा आ जाता बच्चे को। के 1:15 तक लाइट बार बार आती जाती ही रही। देखिए फ्रेंड्स अभी रात के 1 बज रहा है और खूब ज़्यादा बारिश हुई है, सभी दूर पानी पानी हो रहा है का, और लाइट अभी चली गई थी बस आई है और मैंने आपको। हाँ मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।